नमस्कार दोस्तों, मैं अमित देव आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे YouTube के चैनल अमित देव में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 7.5 IMDb रेटिंग और बिल्कुल फ्री में अवेलेबल MX प्लेयर पे जो है भोर मूवी के बारे में। भोर मूवी बेसिकली बिहार के बैकवर्ड यानी कि दलित समाज के ऊपर डिपेंडेंट एक मूवी है। ये मूवी आपको एक ऐसी दुनिया में लेके जाएगी जहां से आप बाहर निकलने का नाम नहीं लोगे। मूवी पहली 15-20 मिनट आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल बिहार के पिछड़े हुए गांव में बैठे हुए हैं। स्टोरी, डायलॉग, कास्टिंग, क्या बात करूं यार, एकदम रियलिस्टिक है। मतलब कोई ऐसा आपको, मतलब जो कोई पात्र आप ले लो कास्ट में, आपसे कोई भी एक एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, एक्टिंग एक्ट्रेस का बाप है जो आप ले लो, मतलब आपको रियली में ऐसा ही लगता है कि नहीं यार ये मैं वहां पर बैठा हूं और वो गांव के लोग को उठा के ले गया है। पहले मैं आपको बताऊं तो मैंने एक ऐसे ही मूवी का रिव्यू किया था तिथि के बारे में। तिथि जो मूवी है कन्नड़ा मूवी थी जिसको बहुत ही अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सेम वैसी ही थोड़ी मूवी है, मतलब स्टोरी लाइन अलग है। स्टोरी लाइन की मैं जो बात करूं तो बुधनी नाम की एक लड़की होती है जो बैकवर्ड क्लास यानी दलित समाज की लड़की है, थोड़ी पढ़ाई लिखाई में बहुत अव्वल है। उसकी कम उम्र में शादी हो जाती है, शादी होती है, इसका पति का नाम है शगुन। शगुन थोड़ा समझदार लड़का है, वो समझता है कि पढ़ाई लिखाई का क्या महत्व होता है। वो खुद पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन सब कुछ समझता है, तो उसके वो पढ़ाई लिखाई में सपोर्ट करता है। गांव का एक ठाकुर परिवार, मतलब जो हम मूवीज में देखते हैं ठाकुर ऐसे होते हैं, अत्याचारी होते हैं, वैसा बिल्कुल नहीं है। ये जो गांव में जो ठाकुर परिवार दिखाया गया है बहुत ही समझदार है, नेक दिल है और सपोर्ट करता है बुधनी को पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन शादी होते ये सब सपोर्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। मतलब उसकी लाइफ में बहुत सारी अड़चने आती है, मतलब कुछ सोशल इश्यूज जो मतलब है, शिक्षा के बारे में है, जातिवाद है। एक बड़ा सा प्रॉब्लम बीच में मूवी में आता है कि भाई उसको शौचालय की तकलीफ होती है कि कहाँ जाए, पढ़ी लिखी लड़की है तो बाहर जाने में शर्म आती है थोड़ी। ये सब कुछ पॉइंट्स है जो बहुत ही मतलब बेहतरीन तरीके से दिखाए गए हैं। कास्टिंग तो 110% बहुत ही मतलब सुपर दिखाया गया है और रियलिटी में मतलब कास्टिंग, लोकेशन और कॉस्ट्यूम, ये तीन बात तो ऐसी है जिसके बारे में आप एक पॉइंट भी नहीं निकाल सकते भी नहीं ये खराब था। थोड़ी बहुत जो बात करूं तो पेरेंटल गाइड की बात करूं तो ये मूवी बहुत बिल्कुल फैमिली के साथ देखने लायक मूवी है। इस मूवी में घरेलू हिंसा, जातिवाद, शौचालय की बात और कुछ ऐसे सोशल इश्यूज दिखाए गए हैं जिसको रियली में आपको देखना चाहिए कि वह रियली में पोजीशन क्या है। आप जहां से मूवी देख रहे हो वहां पोजीशन क्या है, बिहार के कुछ गांवों की पोजीशंस क्या है, ये आपको देखो भी आपको इस मूवी में दिखाई देगा। बाकी तो इस मूवी की कुछ ऐसी बातें हैं जो आप मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। जो शगुन लड़का है उसके बाप की एक्टिंग आप देखो तो बहुत ही मतलब क्या बात करूं यार, वाह सलाम है उसकी एक्टिंग को। कुछ ऐसे पॉइंट्स भी है जो मूवी में बहुत अलग तरीके से दिखाए गए हैं, मतलब शिक्षा का जो मुद्दा है, बिहार की जो पोजीशन, मतलब आप मूवी देखिए बाद में आपको पता चलेगा कि ये मूवी रियली में यार बहुत ही इंस्पायरिंग मूवी है। ऐसे मूवीज को प्रमोशन की बिल्कुल ज़रूरत है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस मूवी को प्रमोट कीजिए। मतलब प्रमोट तो आप नहीं कर सकते लेकिन हमारे जैसे वीडियोज़ जो बना रहे हैं, बहुत बड़े बड़े रिव्यूअर ऐसे मूवीज़ के रिव्यू नहीं बनाते क्योंकि वो पैसों के पीछे भागते हैं, लेकिन आई बिलीव इन कंटेंट, मतलब जो कंटेंट है उसको दिखाना चाहिए। तो ये मूवी आप देखिए एक बार, आप इसको शेयर कीजिए, बिल्कुल MX प्लेयर में आपको फ्री देखने को मिलेगा, आपको पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ेगा इसके लिए। बड़े बड़े मूवीज है, बड़े बड़े कलाकारों की, उसके लिए तो आप पैसा खर्च करते हो, ये प्राइम लेते हो, वो लेते हो, नेटफ्लिक्स, इसमें कुछ नहीं है। MX प्लेयर पे जाओ, बिल्कुल फ्री में देखो और शेयर करो, ऐसे मूवीज को प्रमोट कीजिए और अच्छे मूवीज तभी मिलेंगे जब आप उसको सपोर्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो, ये मूवी देखने के बाद आपको नहीं लगे कि नहीं भाई ये मूवी रियली में देखना चाहिए था, तो आप फिर से वापस आके कमेंट कर सकते हैं और ना करें तो भी इस मूवी को लाइक जरूर कर देना गूगल पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।